नाज़रीन, ये थी सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली चंद खबरें। अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं सुबह भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हुकूमत गरीब दोस्त होने के दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। गुजरांवाला में गुज़श्ता 1.5 साल से ज़कात फंड्स जारी नहीं हो सके। हेपेटाइटिस, दिल, कैंसर, फालिज और दीगर मूजी अमराज में मुब्तला 8,000 के करीब मुस्तहिक अफराद इलाज और अदविया से महरूम हैं। कई इस दुनिया से गुजर गए, जो जिंदा हैं वो भी बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। ज़कात फंड नहीं मिलेगा, साड़ा इलाज मुआवजा किस तरह होगा, असें किते इलाज करिए? लोगों ने बर्तन धो के तो वक्त पास करने, आदमी है तो बीमार, ते बच्ची है तो उन बच्चे नु करू करना खाली हाथ ते नु करनु बच्चे नु। मरीज कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर ज़कात फंड्स का इजरा करे ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करा सके। मर तो जाना ही है, जो सांसें बाकी हैं वो आराम से तो ले सके। 4-5 साल हो गए नहीं मिलती है ज़कात, 7 साल हो गए फारिज हैं, मेरा कोई कुमारा नहीं, बेवाइयां, एक बच्चा की करे, अपना बाल बच्चा भले के मैंने दे रहे। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने नवीद दी है कि हुकूमत ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं, जल्द उन्हें इलाज की सहूलतें मयसर होंगी। हुकूमत की अदम तवज्जी से गुर्बत और बीमारी के सताए हुए मरीजों को इमदाद की फरहमी में ताहीर के कीमती जानों के ज़िया का सबब बन सकती है। कैमरा मैन यूसुफ रशीद के साथ तनवीर भट्ट, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6,20,00,000 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 में गुर्बत की शरह में 35% इजाफा हुआ। गुर्बत ज़दा इन लोगों में एक नाम बुशरा का भी है। गुर्बत, तंगदस्ती, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम बुशरा इस एक कमरे के घर में अपने अकलौते बेटे के सहारे बेवगी की जिंदगी गुजार रही है। माली जरूरियात पूरी करने के लिए बुशरा ने घर ही में परचून की एक छोटी दुकान खोल रखी है। इस दुकान के जरिए वो दिन रात मेहनत करके 5 से 6 हज़ार रुपए महाना कमा पाती है। बुशरा अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है। उसे उम्मीद है कि मुल्क और उसके हालात एक दिन जरूर बदलेंगे और उसे जिंदगी को कोल्हू के बैल की तरह खींचना नहीं पड़ेगा। लेकिन आलमी अदारा बराए सेहत की इस रिपोर्ट का क्या करें, जिसके मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान में मुआशी बदनज़मी के बाइस खुराक की कमी और समाजी नाहमवारियों का अंदेशा बढ़ गया है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तहकीक बताती है कि आलमी मुआशी बहरान, मुल्क में जारी सनअती बहरान, बिजली की अदम दस्तियाबी और महंगाई में इजाफे के बाइस पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा एक ख्वाब के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे में बुशरा अपने ख्वाबों को इस छोटी सी दुकान के जरिए कैसे पूरा कर पाएगी? पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए सबसे पहले करप्शन और बदअमनी फैलाने वाले अनासर पर आरी चलाना होगी। गुर्बत ने बुशरा और इस जैसे बहुत से लोगों की जिंदगियों को एक अजियत बना दिया है, जहाँ मरना आसान और जीना मुश्किल लगता है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ दुर्दाना नजम, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंचने पर रेसलर मोहम्मद इनाम भट्ट का ढोल की थाप पर रिवायती भंगड़ों से तारीखी इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद इनाम को गुजरांवाला के मकामी हेल्थ क्लब में भी पुरवकार अंदाज में खुश आमदेद कहा गया। शायकीन ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी उनके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। इससे पहले कौमी रेसलर अजहर हुसैन और इनाम भट्ट जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो लाहौरियों ने कौमी हीरोज का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए गए। शायकीन ने फातेह खिलाड़ियों को कंधों पर उठाकर ढोल की थाप पर रक्स भी किया। रेसलर अजहर हुसैन का कहना था कि उन्हें ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने दिल्ली में कौमी परचम लहराया। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले रेसलर्स के कोचेस का कहना है कि मेहनत और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो कुश्तियों के हर मैदान में पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है। रेसलर अजहर हुसैन की वतन वापसी की खुशी में उनके आबाई घर मुजफ्फरगढ़ में अहले इलाका भी बहुत खुश हैं। हीरो के इस्तकबाल के लिए उनका जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया है। मुल्तान के इलाके हरम गेट में अजहर हैदरी की शादी दो कजन रोमाना असलम और हुमैरा कासिम से हो रही है। इस अनोखी शादी में जहां दुल्हा के अजीज व अकारिब ने भरपूर एहतमाम किया है, वहीं लड़कियों के रिश्तेदार भी इस शादी से मुतमईन हैं। जबकि दुल्हनों का कहना है कि वो बुजुर्गों के फैसले पर राजी और उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं। लड़कियों के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे। हुमैरा और रोमाना के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियों की शादी अपने खानदान के लड़के से हो।
उनका कहना है कि एक दुल्हा और दो दुल्हनों के हवाले से किसी भी किस्म के कोई खदशात नहीं। दुल्हा और दुल्हनों के अजीज व अकारिब शादी के मौके पर खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ करें। मुल्तान में होने वाली अनोखी शादी एक तरफ तो पूरी दुनिया में शोहरत का बाइस है, तो दूसरी तरफ तीन खानदानों की दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ शरीफ जोया, दुनिया न्यूज मुल्तान। और अब एक नजर सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। ननकाना के नवाह में मेहनतकश की बीवी को बासर अफराद ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस भी मुलजिमों से मिल गई। मुतासिरा खानदान मुलजिमों की संगीन धमकियों के बायस घर छोड़कर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। मुतासिरा खानदान के मुताबिक ठट्ठा वछवा में जमीन के तनाजे पर मुलजिमों नासिर, रफाकत और खिजर हयात ने मेहनतकश लश्कर अली के घर में जबरदस्ती दाखिल होकर रकम और कीमती सामान लूटने के बाद उसकी बीवी रेहाना को घर से अगवा करके मालूम मकाम पर ले गए और चार रोज तक इस्तेमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मुलजिमान रेहाना को चार रोज कैद में रखने के दौरान जिस्मानी तशद्दुद भी करते रहे। मजलूम रेहाना मौका पाकर मुलजिमों की कैद से भाग निकली और घर पहुंच गई। थाना मांगटा वाला में मुकदमा दर्ज होने के बाद बासर मुलजिमों ने पुलिस से सास बस कर लिए, जिस पर पुलिस ने मजलूम खानदान की दाद की बजाय मुलजिमों की हिमायत शुरू कर दी। मजलूम खानदान का कहना है कि मुलजिमान ने उनकी 6.5 एकड़ राजी पर भी कब्जा कर रखा है और अब मुलजिमान उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर भी नहीं जा पा सकते और दरबदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। उनको कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। मजलूम खानदान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो उनके साथ होने वाली ज्यादती का आज खुद नोटिस लें। लाला मूसा चिटी रोड पर वाके यूबीएल अली चक ब्रांच में दिन दिहाड़े गन प्वाइंट पर बैंक में 42 लाख की डकैती। तफसीलात के मुताबिक दोपहर तकरीबन 12:30 पर तीन डाकू जो शक्ल से पहचान लगते थे बैंक ब्रांच में दाखिल होते ही गार्ड को काबू कर लिया और मजामत पर गार्ड को पिस्टल के बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। बाद में बैंक अमले को गन प्वाइंट पर यरगमाल बनाकर लॉकर रूम में दाखिल हो गए और वहां पर मौजूद तमाम रकम लूट ली, जो तकरीबन 42 लाख रुपए बताई जाती है। बैंक अमले के मुताबिक डाकू निहायत तरबियत याफ्ता थे। डाकू बैंक डकैती के बाद जाते हुए सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए और अमले को लॉकर रूम में बंद कर गए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मीडिया को बताया कि आमतौर पर बैंक में दो गनमैन और एक सेफ रूम जहां से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है, लेकिन इस बैंक में ना तो दो गनमैन थे और ना ही सिक्योरिटी सेफ रूम मौजूद है। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शेखुपुरा में पसंद की शादी करने पर दुल्हन के भाई ने दुल्हा की गर्दन तन से जुदा कर दी। दुल्हन ने भागकर जान बचा ली।